नहीं बर्दाश्त कर सकते, इंडिया की बात नहीं बर्दाश्त, क्यों नहीं कर सकते, नहीं बर्दाश्त कर सकता। तुम देखो पहली भी मैंने आपको जैसे बताया था, बताया क्यों था, ये आपकी जगह नहीं है, ये देखें ये बदतमीजी में खान साहब आ जाता है, आप लॉजिकल बात करें ना, क्यों कर रहे हैं इंडिया की बात में। अच्छा पाकिस्तान, इंडिया 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 भूख से मर रहा है, कह रहे हैं दिल्ली में पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे, पाकिस्तान के झंडे लहराने का कोई फायदा नहीं, अपने मुल्क में पाकिस्तान का झंडा, जबरदस्त हो गया। देखो ना मेरी बात सुने, जी 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 जी, क्यों लहराएंगे, क्यों लहराएंगे, क्यों लहराएंगे, हाँ बताए नहीं, एक मिनट ठहरे, एक मिनट ठहरे, लड़ाई ना करे, लड़ाई ना करे, एक मिनट ठहरे, मेरी बात सुने, मेरी बात, हाँ एक मिनट, ठीक है, क्या पाकिस्तान को लहराएंगे, क्या करेंगे, लहराएंगे इंडिया जो मर्जी करे ना, पाकिस्तान के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा क्या इन्हें बताएं, मीनू ने बात करने दे, बात करने दे, बात करने दे, मुझे बताएं पाकिस्तान में खड़े होके अगर इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है तो उसकी बात करना गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। क्या आप उसके ऊपर टैग लगा देंगे कि हाँ ये इंडिया का जो है एजेंट है, इंडिया की बात कर रहे हैं? खान साहब थोड़ा सा नहीं बर्दाश्त कर सकते, इंडिया की बात नहीं बर्दाश्त, क्यों नहीं कर सकते, नहीं बर्दाश्त कर सकता। तुम देखो पहली भी मैंने आपको जैसे बताया था, बताया क्यों था, ये आपकी जगह नहीं है, ये देखें ये बदतमीजी में खान साहब आ जाता है, आप लॉजिकल बात करें ना, क्यों कर रहे हैं इंडिया की बात में। अच्छा पाकिस्तान, इंडिया 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 भूख से मर रहा है, क्या कर रहे हैं भाई जान? ये देखें हम यहाँ पे खड़े होकर नफरत की बात करेंगे ना कि मैं इंडिया भूख से मर रहा है, इंडिया को नहीं मानते ये तो वो, मुझे बताएं इससे इंडिया को कोई नुकसान नहीं होगा, हमें टेक्नोलॉजी मुकाबला करना है इंडिया से तो फिर टेक्नोलॉजी में करें, एजुकेशन में करें, आईटी में करें, ये नफरत में ना करें। कर रहे सारा कुछ ठीक चल रहा है, इधर भी क्या नहीं चल रहा, सारा कुछ ठीक रहा है अभी, हाँ हमारे एयरपोर्ट गिरवी रख दिए, आप कह रहे हैं ठीक चल रहा है? देखो मेरी बात सुनो, मैंने आपको पहले बोला था कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे अंकल जी, ठीक ठाक है, इधर आके आए, क्या करते हैं आप रुके खान साहब आपसे भी बात करते हैं, मुझे बताएं इंडिया की बात करना गलत है? उनके बारे में बोलना गलत है, और किसी बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इंडिया को हमारे मुसलमान भाई भी हैं। अच्छा? मगर कश्मीर की वजह से तो उनकी बात करनी नहीं चाहिए, वो कश्मीर में बहुत जुल्म कर रहा है। क्या जुल्म कर रहे हैं, मुझे थोड़ा बताएं ना, क्या क्या हो रहा है वहाँ पे, कश्मीर देखने वालों को पता चले कश्मीर में कितना जुल्म कर रहा है, मार रहा है दिन कश्मीरियों को, और आप कह रहे हैं हमें पता ही, आपको पता है अभी उधर इलेक्शन हुए हैं, 60% से ज्यादा कश्मीरियों ने वोट दिए हैं इंडिया को, इंडियन गवर्नमेंट को या इंडिया की जो पार्टी है। वो झूठ है भाईजान, वो सब पाकिस्तान कश्मीर के लिए, आप क्या कश्मीर के लिए कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, पाकिस्तान क्या कश्मीर के लिए कर रहे हैं? वो तो हुकूमत बोले जो होगा तो वो करेंगे, हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं, जो हमारी फौज पे काम देगी हम भी खड़े होंगे उनके साथ। ठीक हो गया, हाँ जी, चले अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम सलाम, आपका नाम? राणा। क्या करते हैं राणा साहब, जॉब करते हैं? मुझे बता दें पाकिस्तान इस टाइम दुनिया में किस स्टेज पे, किस पोजीशन पे खड़ा है, हमारा क्या मुकाम है? जो कंडीशन है वो तो हालात आपके सामने है, जो क्या थोड़ा बताएं, तो आना ही नहीं ना, महंगाई के हालात आपके सामने ही है, 2,70,000 बाकी चीजें जो है वो भी काफी महंगी हुई पड़ी है। इंडिया इस टाइम कहाँ पे खड़ा पूरी दुनिया में, ये तो बात ना करें, वो दुश्मन मुल्क है हमारा, उसकी थोड़ी हम बात करेंगे, उसको छोड़े हम अपने मुल्क की बात करें ना, ये दुश्मन दुश्मन करके ये इंडिया से रह रहे हैं, हम वहां से रह रहे हैं, इंडिया को फाइटिंग होता है, नहीं इंडिया, मेरी बात सुने, इंडिया की बात करना गुनाह है? नहीं, इंडिया की बात करने का मकसद ये है कि 1947 में उनके साथ सफर स्टार्ट किया था, उसको छोड़े नहीं, छोड़े क्यों? फिर या तो देखे ना, हमारे सियासतदानों को सोचना चाहिए, ठीक है, वो सिर्फ पार्टी में लगे हुए हैं, उनको कौम का या जो आवाम है उसके बारे में नहीं सोच रहे, उनको सिर्फ यही है कि पीडीआई हम आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन आवाम को उन्होंने ना लगाया हुआ है ट्रक के पीछे लगाया है आवाम को उन्होंने, मैं सीधी बात करता हूँ, हमें सोलते हैं बेनिफिट देने चाहिए, ये चीज है, जैसे इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल पे बात करें ना, इंडिया को छोड़े टोटल जो मुल्क है ना, सऊदीया देख ले, उन्होंने 94 साल उसको बने हुए हो गए, बिल्कुल लास्ट टाइम परसों उनका यानी कि कौमी दिन था, ठीक है, उनकी हम देखे हैं इतने वीआईपी रोड है, वहाँ पे महंगाई भी कम है, ठीक है, मेरा भी भाई वहाँ रह रहा है, मैं कहता हूँ चाइना की बात कर सकते हैं, हालात डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, चाइना भी है, क्यों कर रहे हैं इंडिया का जो भी लफ्ज हम सुन रहे हैं, आप कहते हैं इंडिया इंडिया, नहीं क्या इंडिया इंडिया, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, आप कह रहे हैं इंडिया की बात करते हैं, इंडिया इंडिया की इकोनॉमी आगे चली गई, टेक्नोलॉजी आगे चली गई, तो मैं क्या गलत कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ तो मुझे बताएं, मैं गलत कह रहा हूँ? थैंक यू फॉर बीइंग हियर।
बहुत बहुत धन्यवाद।